अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अरसलान और आज हमारे पास जो मोबाइल है वो है वीवो का वीवो V21e। और इसका जो मोबाइल में जो सॉफ्टवेयर है वो है ऑलरेडी इसमें जो है वो इंस्टॉल है 11। तो आज जो हम इसका जो अपडेट करेंगे वो है 12। तो इसका जो है वो 12 अपडेट आ चुका है और अब हम इसका जो है वो 12 जो है वो इसको इंस्टॉल करके आपको दिखाएंगे। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिल सके। तो हम आते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम सेटिंग को ओपन कर लेते हैं और सेटिंग को ओपन करने के बाद यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ कि सॉफ्टवेयर अपडेट आ चुका है और यहाँ पर जो पहले वाला जो है वो मैं आपको चेक करवा देता हूँ। हमारे पास जो डिवाइस है अभी वो V21e है और यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर का इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये देख लें यहाँ पर 11 है, तो यहाँ पर ये भी इस जगह पर भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर इसमें भी जो है वो भी 11 है। तो यहाँ पर हम चलते हैं इसमें अब बैक, और बैक जाने के बाद मैं आपको जो है इसका जो सॉफ्टवेयर अपडेट मिला है उसको जो है वो अपडेट करके मैंने इसमें जो है पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो यहाँ पर जो ये देख लें आपको जो इसका जो सॉफ्टवेयर है वो है 3 GB का, 3 GB से भी ऊपर है, 88 MB का है। और यहाँ पर जो इसका जो सॉफ्टवेयर है वो 12 है, तो यहाँ पर मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो यहाँ पर हम करते हैं इसको इंस्टॉल नाउ और ये आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है वेरीफाइंग अपग्रेड पैकेज होना स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पर इसको जो है वेरीफाई अपडेट होने में जो है थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो यहाँ पर जैसे ही ये अपडेट होता है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देख लें हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो रिस्टार्ट हो गया है मोबाइल। तो यहाँ पर इस पर जो है इस जगह पर जो है कुछ टाइम लेगा। तो यहाँ पर मैं वीडियो को जो है थोड़ा सा फॉरवर्ड कर देता हूँ। यहाँ पर ये देख लें यहाँ पर वीडियो को मैं थोड़ा सा फॉरवर्ड कर देता हूँ। यहाँ पर ये जो पट्टी है ये जो इसकी जो है ये कंप्लीट हो जाएगी तो मैं आपको दिखा दूँगा। जी तो यहाँ पर जो है हमारी जो पट्टी है वो कंप्लीट हो गया है, सॉफ्टवेयर जो हमारा है कंप्लीट तौर पर यहाँ पर इंस्टॉल हो गया है। तो यहाँ पर जो अब ये दोबारा से मोबाइल रिस्टार्ट होगा और रिस्टार्ट होने के बाद आगे जो है इसमें जो इसकी ऐप्स हैं वो इंस्टॉल होंगी। तो यहाँ पर मैं वीडियो को थोड़ा सा फिर से जो है वो फॉरवर्ड कर देता हूँ ताकि जो हमारी जो वीडियो है ज़्यादा लंबी ना हो। और आप यहाँ पर देख लें यहाँ पर हमारा जो मोबाइल है इसमें जो ऐप्स हैं वो हैं 126। तो यहाँ पर जो है ये जैसे इंस्टॉल हो जाती हैं मैं आपको आगे दिखा देता हूँ। जी यहाँ पर आप देख लें हमारे पास जो ऐप्स हैं वो भी कंप्लीट हो चुकी हैं 126। तो हमारा जो मोबाइल है वो ऐसे समझ लें कि कम्प्लीटली तौर पर जो है वो इंस्टॉल्ड हो चुका है। तो यहाँ पर जो है अब ये दोबारा से ऑन होगा तो हम इसमें देखते हैं कि एंड्रॉयड जो 12 वर्जन है वो हो चुका है या नहीं। तो यहाँ पर मैं पासवर्ड जो है वो ओपन कर लेता हूँ और ओपन करने के बाद मैं आपके जो यहाँ पर इसके फंक्शन है वो आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर हमारा जो मोबाइल है वो फ़ोन स्टार्टिंग होना शुरू हो गया है, अब लोडिंग में है। तो यहाँ पर ये जो लोडिंग जैसे ही कंप्लीट होती है मैं आपको दिखा देता हूँ। उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरी आने वाली इस तरह की अपडेटिंग वीडियो और न्यू मोबाइल की वीडियो आपके पास टाइम टू टाइम पहुँचती रहे। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारे जो मोबाइल का जो न्यू वर्जन है वो 12 हो चुका है या नहीं। तो यहाँ पर मैं आपको सेटिंग में लेके चलता हूँ और सेटिंग में जाने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारा जो मोबाइल है वो एंड्रॉयड 12 हुआ है या नहीं। तो यहाँ पर आप देख लें हमारा जो मोबाइल है इस तरह का कुछ जो सॉफ्टवेयर इसमें है वो इस तरह का चलता है, मतलब कि ये इसमें जो स्पीड है वो भी इंक्रीज़ हो गई है। तो यहाँ पर आप देख लें इसमें जो इसकी जो काफ़ी मतलब कि स्पीड जो है वो बेहतर हो गई है। तो यहाँ पर उन्होंने फंक्शन भी जो हैं कुछ वो भी अपडेट किए हुए हैं। तो यहाँ पर हम सेटिंग में जाते हैं, सेटिंग में जाने पर मैं आपको दिखा दूँ, ये ऊपर देख लें आप यहाँ पर उन्होंने ये ऐड एमरजेंसी इन्फॉर्मेशन ये भी ऐड न्यू कर दिया है। और यहाँ पर जो वाइब्रेटिंग ऑनली है यहाँ पर उन्होंने ये काफ़ी चेंजिंग मतलब के कर दी हैं, आईकॉन वगैरह ये सब कुछ उन्होंने चेंजिंग कर दी हैं। तो यहाँ पर ये देख लें हमारा जो फ्रंट टच OS है यहाँ पर जो सिस्टम इज़ अपडेटेड है। तो यहाँ पर अब हम इसका जो वर्जन है वो चेक करते हैं एंड्रॉयड वर्जन, ये देख लें हमारा जो है वो एंड्रॉयड 12 हो चुका है।
तो यहाँ पर आप भी इस तरीके से इसको जो है वो एंड्रॉयड 12 करके यहाँ पर अपना जो मोबाइल है वो अपडेट कर सकते हैं। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।